हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सवानी हिंदुस्तानी हार्ट चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पे कतारगाम स्थल में। आप देख सकते हैं सामने नियर गौशाला से जो नया पुल बना है वो उतर के आप डायरेक्ट कतारगाम की ओर जाने वाला जो रास्ता है वहाँ के कोने में देवी कृपा सोसाइटी का एक कोना है जहाँ पे दो भाइयों ने मिल के एक स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू किया था 2008 में। तो कैसे उसने मेहनत की, कहाँ से उसने बिजनेस शुरू किए करने के लिए सोचा और क्या क्या किया उसके बिजनेस के लिए जो आज वो उस मुकाम तक पहुँचे, तो चलो हम दोनों भाई से मिलते हैं। कुणाल एंड मयूर, जिसने अपना वड़ा पाव का खुद का बिजनेस शुरू किया था 2008 के साल में गोपाल वड़ा पाव के नाम से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे दोनों भाई, कुणाल भाई और मयूर भाई, दोनों मिल के अपने कस्टमर को वड़ा पाव दे रहे। तो चलिए हम कुणाल भाई से बात करते हैं कि कहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई थी गोपाल वड़ा पाव की। हेलो कुणाल भाई, कैसे हो? जनरली मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि आपका बहुत साल से मैंने यहाँ पे देखा हुआ, आपने कब से शुरू किया था वड़ा पाव का बिजनेस? 2008 में चालू किया। 2008 में उसने वड़ा पाव का पहले बिजनेस शुरू किया था। कौन कौन लोग थे पहले? आपने अकेले ने किया था कि पापा और भाई? पापा को अभी रिटायर कर दिया। पापा को अभी रिटायर कर दिया, पहले पापा और एक छोटा भाई है उसने मिलकर ही शुरू किया था। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जनरली आपको आइडिया आया कहाँ से कि हम वड़ा पाव का ही बिजनेस शुरू करते हैं? आइडिया तो ऐसे ही, हमको खाने पीने का शौक भी था और खाना बनाने का भी शौक था। अच्छा, खाना बनाने का उनका शौक था। एक ये पॉइंट मैं इसलिए हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि आप अपने शौक को बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बिजनेस में आप सक्सेस जाओगे। तो फिर खाना बनाने का आपका शौक था इसलिए आपने सोचा कि ये बिजनेस शुरू करते हैं। और मेरी मम्मी को ये सब इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व का भूमिका है मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी पहले बना के देते थे, हम तो मेरा तो छोटा था, मतलब आई थिंक 14 साल का था। भैया थे तो भैया तब का है ना, उनका 12 का था तो वो थोड़ा कम टाइम दे पाते थे। मैं और पापा ही थोड़ा संभाले थे, 6-1 महीने तो मैं और मेरे पापा ने ही संभाला। मम्मी घर से वड़ा बना के देती थी और हम लोग यहाँ पे आके सेल करते थे। तो इसके पीछे वो बोल रहे हैं कि उसकी मम्मी का हाथ है जिसने हमें बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया था। पहले वो वड़ा अपने घर से बना के उनकी मम्मी देती थी और ये भाई जब 14 साल के थे तब उनके पापा के साथ आते थे और यहाँ पे वड़ा बना के कस्टमर को देते थे। कुणाल भाई, मैं आपको पूछना चाहूँगा, जनरली मैंने कई जगह पर देखा है कि लोग ऐसी आप जो वड़ा पाव के साथ मिर्च दे रहे हैं फ्री में, वो देने के लिए वहाँ पे लिख देते कि मिर्ची दोबारा नहीं मिलेगी, एक बार ही मिलेगी, ऐसा लिख के ही देते हैं। और मैंने जनरली देखा है कि आपके कस्टमर ये सफिशिएंट आप मिर्ची पहली बार दे रहे हैं ठीक है, और आप दूसरी बार भी मतलब मेरे को मांगते तो आप झिझकते नहीं हो, आप उनको दे देते हो। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब मैं ये मेरा थोड़ा वो लॉस होगा? क्योंकि जनरली लोग क्या है, एक तो आप वड़ा पाव के दाम भी कम ले रहे हो सभी जगह से, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है 2-3 किलोमीटर के अंदर जो भी वड़ा पाव वाले सब लोग है वो 20 रुपये से तो जनरली नॉर्मल वड़ा पाव शुरू करते हैं और ये 15 रुपये में बटर लगा के बटर वड़ा पाव दे रहे हैं और साथ में इतनी मिर्च भी दे रहे हैं। तो आपको जनरली ऐसा नहीं लगता कि मेरा लॉस हो रहा है, ऐसा आप सोचते हो कि ऐसा कभी सोचा ही नहीं आपने? लॉस तो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि जो भी है वो ग्राहक लोग का ही हमको दिया हुआ, वही हम लोग उनको दे रहे हैं। कोई बिजनेस करते हो तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कुणाल भाई ने बताया कि हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वही हमारा मेन पॉइंट है। प्रॉफिट ज़्यादा या कम हम नहीं देखते, हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हमसे होना चाहिए, इसलिए वो कभी भी कोई चीज़ में कोई झिझकते ही नहीं। हमने बहुत सारे वड़ा पाव के वहाँ पे भी लिखा होता है जनरली मिर्ची दोबारा नहीं मिलेगा और दो मिर्ची देके वो बोल देते हैं दोबारा मिर्ची नहीं मिलेगा। ये लोग दिल से मतलब में सभी को खिला रहे हैं, उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि सभी कस्टमर सेटिस्फाई है इनकी सर्विस से भी। देखिए, आप सब लोग देख सकते हैं कि कितने कस्टमर हैं इनके, जनरली 10 से 15 लोग तो खड़े ही है और थोड़े लोग वेटिंग में, और उस तरफ दूसरी जगह पे भी जहाँ पे बंद रहे वहाँ पे भी लोग खड़े हैं। मतलब में एक फ्लुएंसी कंटिन्यू शुरू रहती है 8 बजे तक रात के, और सुबह में 11 बजे वो आ जाते हैं दोनों भाई, 11 बजे से शुरू करते हैं अपना दिन और शाम को 8 बजे ख़त्म होता है, तब तक कंटिन्यू यही फ्रिक्वेंसी में कस्टमर रहते हैं। तो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं दोनों भाई मिलके, एक स्मॉल स्केल बिजनेस से शुरुआत की थी उसने, आज आप लोग देख सकते हो कि वो कहाँ तक पहुँचे। और मैं कुणाल भाई से और भी बात करना जानना चाहूँगा, जनरली इस तरह के बिजनेस में होता है कि आप बिजनेस शुरू कर दिया है ठीक है, तो तुरंत तो आपका बिजनेस चलने वाला है नहीं, तो पेशन किस तरह का रखना पड़ता है वो भी उनके मुंह से सुनते हैं, क्योंकि इस तरह के बिजनेस में आपको लोगों को पहले
लेना पड़ता है ट्रस्ट में कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो ही आपके वहाँ पे लोग आएंगे, आपके वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आएंगे। ठीक है, तो आज हम सुनते हैं कि उनके शुरुआतों के दिन कैसे रहे थे बिजनेस के। कुणाल भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने 2008 में शुरुआत की तब आपने किस तरह से, मतलब मैं पहला दिन कैसा रहा था आपका, आपको क्या लगा था, आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहा था, वो आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। पहले तो क्या 6 महीने तक हम लोग ने, मतलब समझ लीजिए 10-15-20 वड़ा पाव निकाले खाली 6 महीने तक। हाँ, क्योंकि हम लोग ना मम्मी घर से बना के देती थी, यहाँ पे लाइव नहीं होता था, लो लगता होगा कैसा है कैसा नहीं। फिर क्या है, थोड़ा मैंने साहस किया कि 6 महीने बाद हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा छोटा घर का जो प्राइमस था उससे चालू किया, स्टोर से, छोटा वाला स्टोर से। फिर धीरे धीरे करके बढ़ने लगा, फिर ऐसे ही 6 महीने में थोड़ा हो गया, थोड़ा 100-150 वड़ा पाव जाने लगे। फिर ऐसे ऐसे करते करते जो भी आपके सामने अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपने खुद कुणाल भाई के मुंह से आपने सुना है कि पहले के तो शुरुआतों के 6 महीने तक उसने सिर्फ 10-15 वड़ा पाव पूरे दिन में बेचे थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उनका पैशन कितना था, क्योंकि इस तरह के बिजनेस में आपको मेन रखना है पैशन। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेवर गिव अप, कभी आपको नेवर ऐसे कॉन्फिडेंस आपका हिलना नहीं चाहिए कि अरे यार 6 महीने हो गए मैं कुछ कमाया भी नहीं हूँ तो मैं ये वाइंड अप कर देता हूँ। कुणाल भाई ने बताया हमें, उससे हमें ये सीखना मिलता है कि हमें पेशेंट रखना पड़ेगा इस तरह का बिजनेस अगर हम करते हैं। और दूसरी बात उसने बोली कि हम घर से लेके आते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये कैसे बना के देते होगे, तो बाद में उसने डेयरिंग किया खुद बनाने का, यहाँ पे घर से एक प्राइमस लेके आए और यहाँ पे खुद लाइव वड़ा पाव बनाने लगे और धीरे 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 कस्टमर को उनका टेस्ट पसंद आने लगा और उसका रिजल्ट आप अभी तक देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुँच चुके हैं वो लोग। अगर आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो तो उसमें एक पॉइंट वो भी होता है कि आप कोई भी नई चीज़ आती हो तो आप उनको अप्लाई कीजिए। ठीक है, जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और कैश अगर आपके पास नहीं है तो लोग ट्रांसफ़र भी करते हैं गूगल पे से या फिर पेटीएम से, तो आप देख सकते हैं कि उसने वो भी अप्लाई किया हुआ है। तो मतलब मैं बिज़नेस करने के सभी पॉइंट जो है, पहले तो उसको जो शौक था उसको ही अपना बिजनेस बनाया। ठीक है, दूसरा था पैशन रखा उसने, उसको कॉन्फिडेंस था कि हम उसमें कुछ कर सकेंगे क्योंकि वही उनका शौक था कि हम क्वालिटी वाइज चीज़ लोगों को खिला सकेंगे। चौथा था जो मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है टाइम के साथ, वो भी उसने अप्लाई किया है। तो ये सब का नतीजा यही मिलता है कि आप सक्सेस हो ही जाते हो, टाइम लगता है लेकिन आप सक्सेस होते ही हो। अभी आप देख सकते हो जैसे कि 5 बजना शुरू हुआ, यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है वड़ा पाव खाने के लिए, तो उससे ये पता चलता है कि किस तरह की क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे हो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी कितना है। हम डायरेक्ट कस्टमर से ही रिव्यू लेते हैं कि किस तरह का उनका वड़ा पाव है, उसको उसमें क्या ज़्यादा पसंद है, तो कस्टमर से मुंह से ही हम सुनते हैं। हेलो, हमारे चैनल में मतलब में गोपाल वड़ा पाव का रिव्यू के लिए हम आपका रिव्यू लेना चाहते हैं, तो आप अपने मुंह से ही बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पे वड़ा पाव खाने के लिए आते हो। मैं यहाँ पे 5 साल से आ रहा हूँ। खाने की आदत पड़ गई है, बोल रहे हैं कि मैं 5 साल से यहाँ पे वड़ा पाव खाने के लिए आ रहा हूँ, ये वड़ा पाव खाने की मुझे आदत लग गई है। ज़्यादा फिर क्या पसंद है आपको इसके वड़ा पाव में? सब मेरे को तो मज़ा आता है, मिर्चा मज़ा आता है, मिर्चा वो बनाता है ना, वो कड़क पट्टी बनाता है ना पट्टी, वो मज़ा आता है। जनरली मैंने आपको बताया था कि वड़ा पाव के साथ जो मिर्ची है उसकी स्पेशलिटी है कि कई जगहों पे मतलब मैं खाली ऐसे ही थोड़ा सा बेसन लगा के कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं करते ऐसे ही दे देते, और हमने यहाँ पे देखा है कि वो मिर्ची भी मतलब में जो ज़्यादातर सूरत में जो भज्जे के स्टोर पर मिलती है वो 300 से 400 रुपये के किलो इस तरह की पट्टी मिर्च मिलती है, जो वो फ्री में जितनी बार भी खाना है वो खिलाते हैं, तो वही उनकी स्पेशलिटी है। तो जैसे कि हमने जेन्युइन रिव्यू लिया कि कस्टमर 5-5 साल से उनके पुराने कस्टमर बन चुके हैं जो खाली यहाँ पे मिर्ची के लिए मतलब में यहाँ पे आते हैं जनरली।